नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में और थोड़ी देर पहले ही भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट मैच हुआ है उसकी यहां समाप्ति हुई है और वो मैच बहुत ही रोमांचक रहा है भारत और इंग्लैंड के साथ, क्योंकि पहले दिन ये टेस्ट मैच एक वनडे की तरह दोनों टीमों के द्वारा खेला गया, दूसरे दिन ये मैच भारत की झोली में आने को तैयार हो गया और ढाई दिन के खेल में ही ये मैच भारत की झोली में आ गया। तो हम आपको बता दें कि इस मैच में सबसे रोमांचक बात क्या रही कि यहाँ पर इंग्लैंड के बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे और उन्होंने भी इस मैच का खूब आनंद लिया। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि हिमाचल में ये एक मैच अलग तरह का मैच था, पहला टेस्ट मैच एक तरह से हम इसको कह सकते हैं जो कि एक सीरीज में यहाँ पर खेला गया है और जिसका लोगों ने बहुत ही आनंद लिया है। ये धौलाधार के आंचल में बसा हुआ पूरे संसार का या वर्ल्ड का हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का खूबसूरत स्टेडियम है। थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ कुछ तस्वीरें शेयर करी जिसमें भारत की टीम जो है यहाँ से अपने गंतव्य स्थान पर चली गई, साथ ही इंग्लैंड की टीम जो कि इस सीरीज में अच्छे से तो खेली लेकिन वो अपने नाम नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी थकान को फुटबॉल खेलकर यहां पर मिटाया। तो आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि यहां पर IPL के मैच होंगे। अरुण कुमार धूमल, जिन्होंने पिछले कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने मीडिया को बताया था कि यहां पर आने वाले समय में IPL के बहुत सारे मैचेस हो सकते हैं और धर्मशाला को एक नया आयाम मिल सकता है पर्यटन की दृष्टि से। तो ये बात आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। आइए कुछ तस्वीरें हम आपसे शेयर करते हैं इस मैच के बाद की। तो देखिए ये एक ग्राउंड का नज़ारा, किस प्रकार अब ये ग्राउंड जो है यहाँ पर दिख रहा है, क्लोजिंग हो चुकी है और सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है यहाँ पर बंद होती जा रही हैं और बहुत ही जल्द जो है यहाँ पर IPL की तैयारी शुरू हो जाएगी और फिर से एक क्रिकेट की बहार आ जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैं शशि भूषण, इंडिया न्यूज़ के लिए आपके साथ। धन्यवाद।